स्ट्रेट है मैडम मैडम स्ट्रेट मैम यो सवन मैम यो ये राइट पर मैम यो राइट पर मैम यहां पे राइट पर जाने दो भाई इधर कौन जा रहे हो यार आएंगे वो यहाँ पर यार अरे आ रहे इधर ही आ रहे इधर ही आ रहे आने दो इधर अंडे को अरे पोटलिया छोटलिया क्या कर रहे हैं इधर आठ ना पूर्वा सब लोग यहीं से आ रहे हैं सब यहीं से आ रहे हैं अरे जाएंगे यार ठीक है जाएंगे कपूर साहब कपूर साहब कपूर साहब ठीक है चलेगा एक मिनट भाई हट जा एक साथ में सर वो लोग उनका डाउन करना रहे कुछ लोग ऐसे भी तो तू क्या करेगा विश्वास ले रहे हो हां नीचे नहीं ऊपर मैम यार जका सर सर इधर देखिए इधर सर सही मैम यो अरे वो मांगे कुटला हट गया जल्दी अरे क्या कर रहे हो अरे दो साहब हटो पीछे लाइन में कॉर्नर में हूँ मैं एक धक्का बुक्का कर रहा हूँ चलो थोड़ा आओ जाओ सर भाई थोड़ा जगह दे जगह दे अरे अरे ये देखिए भाई मुंह पे पाव आ ये बात ये सर लेफ्ट साइड लेफ्ट 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 सर क्या बात अरे वो निकल गया क्या संजय सर थैंक यू सर बस बस चलो 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 चालू मोहित जी एक बैक टॉप पे करते ना बोला आइए सर आइए चलिए साथ में सर इधर देखिए इधर दीजिए सर एक्सक्यूज मी सर लुक सर इधर दीजिए हां तो जूम का बता दे ले आप मुझे मोहित सर एक बार इधर यहां पे यहां पे मोहित हेलो सर दोनों लोग साथ में सर सर इधर देखो सर जावेद सर जावेद सर यो सर राइट टू लेफ्ट देखिए सबसे हिट फोटो अरे सबसे हिट फोटो चलो स्टार्ट सामने एक भाई राइट साइड
बोलिए सर, एक बैकड्रॉप पे करते ना फोटो, बैकड्रॉप पे करते बोनी सर, एक आपका सोलो बोनी सर, सेंटर थैंक यू सर। चलो बस अभी आप लोग अपनी जगह पे जाइए सब भाई, चलो पीछे चलो। I request our friends from the media to kindly settle down. We'd like to start as soon as you're ready. Thank you. मेरा एक दोस्त था बचपन का, मेरा स्कूल बैग उठाकर चलता था मेरे साथ। मुनीश मेरा बहुत ख्याल रखता था, पता ही नहीं कहाँ हो गया वो। भागावा खूनी मिल गया। होता है, अक्सर होता है, इश्क में अक्सर होता है, चोट कहीं लगती है जाकर, जख्म कहीं पर होता है। ये मानो तुम दिया कोरे की मेरे सपना बहती है,
लेकर आई हूं एक दास्तान। इस दास्तान के हीरो हैं मिर्जा और हीरोइनी है साहिबान। हाय गुड इवनिंग, माय नेम इज रोहिणी और अक्सर आप मुझे रेडियो पर देखते हैं और आज रेडियो से बाहर निकलकर मैं आई हूँ एक अलग किस्म के नशे के साथ। जी हाँ, इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल इवनिंग एंड बिफोर आई गो ऑन टू इंट्रोड्यूस द फिल्म टू यू, लेट मी जस्ट से कि इन फ्रंट रोज में चेहरे जो आज बैठे हैं, इनको देखकर बस इतना ही कहने का मन कर रहा है कि ये जो है घर की फिल्म है, अपनी फिल्म है, मेरी फिल्म है। यहाँ पर एक मॉम की फिल्म है, एक डैड की फिल्म है, एक बहुत ही एक्साइटिंग डैड की फिल्म है, एक बहन की फिल्म है ये, और साथ साथ देयर आर अंकल्स, देयर आर आंट्स, उसके बाद ये हैं लेजेंड्स, उसके बाद ये हैं एक्टर्स, उसके बाद ये हैं राइटर्स, उसके बाद ये हैं लिरिसिस्ट, उसके बाद ये हैं म्यूजिशियंस। आज मेरे घर की फिल्म है। विद दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, आई'd लाइक यू टू पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिर्ज़िया। ईद से दशहरे का सफर हम तय करेंगे और मैं जानती हूँ कि हमारी जो मीडिया यहाँ पर है, वाओ, आई नो यू ऑल हियर टुडे, यू डोंट वांट टू मिस दिस। आप आए थे 4:30 बजे, ये भी मुझे पता है, इंतज़ार किया है आपने, ये भी मुझे पता है, बट आई विल, यू नो, आई ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इट्स गोइंग टू बी समथिंग दैट यू हैव नेवर सीन बिफोर। अब ये पेशा है, लोग अक्सर ये कहते हैं यू हैव नेवर सीन दिस बिफोर, बट व्हेन आई से दिस, कुछ नाम लेना चाहूँगी इस स्टेज पर, क्योंकि ये कहानी मिर्ज़ा साहिबान की, इस कहानी को किसने नहीं सुना है, सब जानते हैं, लेकिन एक इंसान ने इस कहानी को पहली बार जब अपने कॉलेज के डेज में देखा था स्टेज पर, उन्होंने एक सवाल पूछा था। बहुत सारे म्यूजिक लेजेंड्स भी हैं यहाँ मेरे फ्रंट, यहाँ हमारे फ्रंट रोज में एंड ऑफ कोर्स बिहाइंड अस एज वेल बैक स्टेज। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई'd लाइक यू टू पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द विजनरी डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा, प्लीज। After all his political motivation, youth thrillers, आखिरकार what makes a filmmaker want to tell a love story? And when you do tell a love story, you know, they'd happen. Ladies and gentlemen, give him a big hand. Gentlemen, take it away. नहीं इश्क़ मिर्ज़ा
इश्क तो डूंगे दर्द जुदाइयां दे ते कढ लैंदे ने जान ला चिंगारी इश्क दी ला चिंगारी इश्क दी अग लगे Put your hands together for the director, Rakesh Om Prakash Mehra. So, kuch 36 saal pehle, around 36 years ago, I was in college and there was a cultural festival. Wahan pe maine Mirza Sahib ka play I knew it. You can't shoot me. So I saw the play for the first time 36 years ago. And college ka zamana tha, love story thi, legendary love story. And at the end of the play, the director comes on stage and asks all of us like this, ki saiba ne teer kyun thode the? It was quite a question. Everybody raised their hands. I didn't have the courage to raise my hand. And that question got me.
Why do we hurt them the most, whom we love the most? हम उसी को क्यों सबसे ज़्यादा सताते हैं जिसको हम सबसे ज़्यादा प्यार भी करते हैं? ऐसा होता क्यों है प्यार में? What is this love? It's so illogical. तो ये सारे सवाल घूमते रहे. Saiba and Mirza, for I'm assuming everybody knows the story, but for those who don't, they were soulmates from their childhood. They grew up and then they found themselves on opposite sides in warring families, thirsty for each other's blood. But they were in love. Their souls could not be disconnected. Everybody tried so, but it didn't happen. And when the time came, they ran away from the world. They galloped on their horse, a beautiful black horse called Bucky. 3 days, 4 nights, finally there was safety. एक और वैली की बात थी, बस उसको क्रॉस करना था उनको. बट अंधेरा हो चला था. दे टुक रेस्ट अंडर ए ट्री एंड दे फेल अस्लीप. बट वॉट दे डिडंट नो एंड वॉट दे वर फियरिंग द मोस्ट, देर वॉज अ पॉसे ऑफ साइबर्स ब्रदर एंड सम 100 हॉर्सेस लुकिंग फॉर देम, उनके खून के प्यासे उनके पीछे. इन द मॉर्निंग Bucky shouted a warning signal. He went up in the sky and warned her master, Mirza, to wake up. Mirza woke up and the brothers had surrounded. There were 100 horses, 100 bows and arrows. He went for his bow. He picked up the arrows, but the arrows were broken. All the arrows were broken. And he looked at Saiba and he said, why? Why did you do it? And then the brothers of the Saiba's brothers shot the arrows. Mirza, he bled to death. And he had that question in his eyes. And I had this question in my heart for 35 years. Somewhere deep down, it was there. Life is funny. You find yourself in a director's chair. And then you want to tell stories. Where do you get stories out of? You get them out of your own experiences. So I called up Gulzar Bhai. And I said, Gulzar Bhai, chai. He said, aja. He's my neighbor. I went to his house. And I said, Gulzar Bhai, Saiba ne teer kyun tode the? So he says, bachchu. He calls me bachchu. बच्चों वो तो तुम साहिबा से जाके पूछो. मैंने कहा सर मिल नहीं रही है, बहुत सालों से ढूंढ रहा हूँ. अच्छा ठीक है, चलो हाथ पकड़ते हैं, ढूंढते हैं साहिबा को, जब मिल जाएगी उसी से पूछ लेंगे तुमने तीर क्यों तोड़े. लेडीज एंड जेंटलमैन, माई लाइफ कम्स अ फुल सर्कल टू टेक द राइटिंग ऑफ सच अ लेजेंड एंड मेक इट माई ओन. गुलजार भाई, thank you. Okay. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. ईद मुबारक आप सबको. और कम होता है कि ईद पर इस तरह का तोहफा मिले जो राकेश आज दे रहे हैं हम सबको. राकेश की बहुत बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक अगेन. मिर्ज़िया करते हुए ये जो सवाल साहिबा के बारे में बोल के गए हैं राकेश, तो वो सवाल उन्होंने मुझसे भी पूछा था, मुझसे ही पूछा था बल्कि आगे के बताइए कि उसने तीर क्यों तोड़े. अब मैं इतना ही कह सकता था कि मैंने साहिबा से पूछा नहीं, पूछ लेता तो बता देती या आप उनसे पूछिए.
तो वो जिम्मेवारी उन्होंने मुझ पे दी कि आप पूछ के बताइए. सो आई सेड कि लेट्स गो, चलो साहिबा से मिलते हैं चल के, तो साहिबा से पूछेंगे. राकेश के साथ ये फिल्म करते हुए ये सफ़र में बड़ा मज़ा आया है, बहुत खूबसूरत है. और सिर्फ यही है कि वो अक्सर टेक्स्ट बुक से बाहर के सवाल पूछ लिया करते हैं और तब बड़ी दिक्कत होती है. तो मैं अब ये कि स्कूल से ही मुसीबत थी मेरे लिए, इम्तिहान देते हुए बड़ा डरता था कि भाई हाँ आपने जो सिखाया वो पूछ लीजिए, उसका जवाब दे दूंगा. जो टेक्स्ट बुक में है वो पूछ लीजिए, ज्योग्राफिया पूछ लीजिए, हिस्ट्री पूछ लीजिए, मैथ्स मत पूछे क्योंकि वो मैं बहुत ही ख़राब था. पहाड़े सुना दूंगा एक से ले कर दो से ले कर छः तक दस तक, लेकिन जो टेक्स्ट बुक में नहीं है उसके बाहर पूछेंगे तो क्या होगा. और उनके साथ स्क्रिप्ट करते हुए वो मज़ा वही था कि जो टेक्स्ट बुक से बाहर वो सवाल पूछते थे उनके जवाब ढूंढने पड़ते थे वाकई. और इस जवाब की तलाश में मैंने एक सफ़र किया लंबा, जो कि मिला साहिबान से मिला. साहिबा ने वही बात कही जो राकेश पहले ही कह चुके थे कि इसमें अब इश्क में तो ये होता है और ऐसा ही होता है कि चोट कहीं लगती है जाकर और जख्म कहीं पर होता है. होता है इश्क में, ऐसा होता है. तो साहिबा की कहानी में सोचा अगर मैं कहूँ तो इश्क के एक पहलू की कहानी तो मिल जाएगी. तो जावेद साहब मैं वो ज़रा सी वो कहानी सुना दूँ इजाज़त हो तो. अब उस वक्त ये शक्ल गाने में नहीं थी, मैंने तो सीन की सूरत में ही लिख के दिया था कि एक नदी थी, एक नदी थी दोनों किनारे थाम के बहती थी. अब जाहिर है कि नदी के दोनों किनारे भी जरूरी हैं, लेकिन उसको अगर एक इंडिविजुअल मान लिया जाए तो दो किनारे दो शख्स हो जाते हैं, दो शख्सियतें हो जाती हैं या दो इमोशन या दो जज्बे हो जाते हैं और वहीं से वो कहानी का कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है. एक नदी थी दोनों किनारे थाम के बहती थी, कोई किनारा छोड़ न सकती थी. एक नदी थी, एक नदी थी, करवट ले तो सारी जमीन बह जाती, तोड़ती तो सैलाब आ जाता, करवट ले तो सारी जमीन बह जाती. हाँ एक नदी थी, आजाद थी जब झरने की तरह चट्टान पे बहती थी. अब ये कहानी है उसकी साहिबा की. हम शोर के ख़ास तौर पे हमारे दोनों अदाकारों, तीनों अदाकारों को, ये तीनों अदाकारों को ये बात समझ में आ गई और कहाँ से. थैंक यू अनिल फॉर गिविंग अ सच अ स्टार एंड लवली ग्रेट एक्टर हर्षवर्धन कपूर. बहुत खूबसूरत एंड व्हाट ए परफॉर्मेंस बाय हिम. एंड ऑफ कोर्स किसी की भी परफॉर्मेंस कम नहीं है. तन्वी जी से कहूँ मैं कि मैं क्या आप पूरी फैमिली के साथ काम किया हुआ राइट फ्रॉम उषा किरण जी व्हेन आई वाज एन असिस्टेंट इन काबुलीवाला और फिर आपके साथ और अब साहबजादी आपकी उसके साथ काम किया. तो इसी कहानी में से ये किरदार निकले हैं और मिले हैं मुझे. एक नदी थी तोड़ती तो सैलाब, दोनों एक नदी थी दोनों किनारे थाम के बहती थी, कोई किनारा छोड़ न सकती थी. तोड़ती तो सैलाब आ जाता, करवट ले तो सारी जमीन बह जाती. एक नदी थी दोनों किनारे थाम के बहती थी, आज़ाद थी जब झरने की तरह चट्टान पे बहती थी, लेकिन दिल एक जालिम हाकिम था. लेकिन दिल एक जालिम हाकिम था, वो उसके जंजीर उसकी जंजीरों में रहती थी. एक नदी थी दोनों किनारे थाम के बहती थी. आगे कहानी आपको सुनाएंगे. शुक्रिया.
किनारे थे दोनों किनारे थाम के बहती थी एक नदी थी, एक नदी थी कोई किनारा छोड़ न सकती थी एक नदी थी, एक नदी थी एक नदी थी। करवट ले तो सारी जमी बह जाती, एक नदी थी दोनों किनारे थाम के बहती थी एक नदी थी, दोनों किनारे थाम के बहती थी एक नदी थी। और अगर साहिबान नदी है और एक किनारा मिर्जा है तो दूसरे किनारे पर इस कहानी में करण खड़ा है। करण आपके सामने आएंगे, ये है अनुज, दो बड़े ही अहम किरदार इस कहानी के। और उनके साथ अगर मुड़ के देखें मिर्जा तो किनारे पर खड़ी है जीनत। जीनत के रूप में आप मिलेंगे आज पहली बार अंजलि से। प्लीज़ वेलकम, गिव देम ऑल योर लव, अनुज एंड अंजलि। थैंक यू। होता है, होता है, इश्क में अक्सर होता है। चोट कहीं लगती है जाकर, जख्म कहीं पर होता है। ये तो अक्सर होता है। अरे ढोला और ये कॉम्बिनेशन इससे पहले भी बहुत बार कमाल कर चुके हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन गुलजार साहब और इनके साथ ऑफ कोर्स माय फेवरेट्स शंकर एहसान लॉय। गिव इट अप फॉर देम प्लीज। कहते हैं कि जब किसी की याद आती है तो हिचकी आती है, लेकिन जब गुलजार साहब को हिचकी आती है तो वो कैसे सुनाई देती है। उन्हीं की लिखी हुई अगली इस नज़्म या यहाँ पर गाने की ओर चलेंगे। आई एड लाइक टू request all of you once again to welcome him back on the stage, ladies and gentlemen, Gulzar Sahab. Thank you. Ji sahab, mujhe andar hichki aa rahi thi ki aap yaad kar rahe hain. Aur hichki bas yahi hai ki koi yaad kare to hichki aati hai, kabhi kabhi bade zor se aati hai. Aur मुझे जब पीछे हिचकी आ रही थी वहाँ बैठा हुआ था अभी, तो राकेश ने कहा कि एक गिलास पानी दे दिए। तो मैंने बताया, मैंने कहा ये हिचकी से एक गिलास पानी से नहीं उतरने वाली है। अब जब तक मैं किसी के गले ही ना मिल लूँ तो कहाँ से हिचकी आएगी। वो तो हिचकी तो तभी ख़त्म होगी जब जो याद कर रहे हैं उनके गले लगे। ये एक ऐसी ही जगह है इस कहानी में भी कि जहाँ किसी को हिचकी आती है, लेकिन उस कहानी उस हिचकी का जिक्र गांव के लोग करते हैं। वहाँ एक लोहारों की गली है, एक लोहारों की गली है जो दास्तानें सुनाया करती है। इस फॉर्म में, इस कहानी में, स्क्रीन प्ले में एक, मेरा ख्याल है वो एक अंदाज नया है, देखिएगा कि वो गली जहाँ लोहार काम करते हैं सारे, हर दहकती रहती है वो, और एक लाल सुर्ख माहौल रहता है वहाँ,
जब आग में लोहा तपता है और जब आग बिखरती है तो ऐसे ही लगता है उन तमाम लोगों के होते हुए जब वो गाते रहते हैं और कहानियां सुनाते रहते हैं, जो मिर्ज़ा साहिबा की कहानी भी सुना रहे हैं, और उस वक्त लग रहा था कि जैसे वक्त ने मुट्ठी खोली है और ये लम्हों की चिंगारियां हैं जो बहती रहती हैं और जो चलती रहती हैं, और उनमें वो कहानी कहते हैं। और उसी में बस ये हिचकी लोहारों की गली के किरदार हैं जो बार बार सामने आते हैं और कहानियां गाते हुए कहानी सुनाते हुए आगे चलते हैं। उसमें जिस हिचकी का जिक्र ये लोग करते हैं कहानी सुनाते हुए, वो कुछ ऐसी है, अब वो फोक है वहाँ का, लोक गीत का जो रंग है कि आवे रे हिचकी, आवे रे हिचकी, निद्रा में किसने याद की रे, जगाए सारी रहना रे, अब नींद में भी हिचकी आई है, निद्रा में किसने याद की रे, जगाए सारी रहना रे, पिया जगावे जिया जगावे और दिया जलावे रे, जो चीजें जगाए रखती हैं, पिया जगावे जिया जगावे दिया जगावे रे, आवे रे हिचकी, आवे रे हिचकी, संदेशा आयो ना चिट्ठियां भेजाई, संदेशा आयो ना चिट्ठियां भेजाई, सावन में सूखे नैना रे, सूखा क्या क्या, सावन में सूखे नैना रे, तलैया सूखी कीकर सूखा भीतर सूखा रे, तलैया सूखी कीकर सूखा भीतर सूखा रे, आवे रे हिचकी, आवे रे हिचकी। अब यही ये बोल सूखे सूखे से ही बोल हैं, सूखी सूखी चीज़ें, लेकिन किसी जादूगर के हाथ में, किसी मदारी जैसे जादूगर के, जिसके पास एक गिटार भी हो, जिसके पास म्यूजिक हो और ज़रा डुगडुगी बजाइए तो देखिए कि इसकी आवाज़ किस तरह से आती है, यही सूखी हुई चीज़ों की। मैं डुगडुगी के साथ एक निद्रा में किसने याद किया रे, निद्रा में किसने याद किया रे, जगाए सारी रहना रे, पिया जगावे जिया जगावे दिया जगावे रे, आवे रे हिचकी, आवे रे हिचकी, आवे रे हिचकी, हिच आवे रे हिचकी, आवे रे हिचकी, आवे रे हिचकी, हो संदेश आयो ना चिट्ठियां भी जाई, सावन में सूखे नारे, तलैया कीकर सूखा भीतर सूखा रे, आवे रे हिचकी, 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 धूप मुंडे रे चढ़ गयो ढोला, जल गयो सारी छाओ रे, आंगन पार करूं मैं कैसे, तलवे जले मेरे पाओ के, तलैया सूखी कीकर सूखा भीतर सूखा रे, आवे रे हिचकी, 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 ओ मेरी जनिया रे, ओ
तलैया सूखी की खड़ सूखा भीतर सूखा रे आवे रे हिचकी आवे रे हिचकी आवे रे हिचकी आवे रे हिचकी हिच हिचकी आवे रे हिच हिचकी आवे रे आवे रे आवे रे आवे रे हिचकी आवे रे हिचकी आवे रे हिचकी So finally I got a screenplay, I got a script from Gulzar Bhai himself. And then the next question was, okay, so now I know the legend of Mirza Sahiba. Can this legend, can this story reverberate? Can the echo of that, the same story, be heard in today's time? Can it play out in modern day India? Can it play out in 2016? He had a twinkle in his eyes, and 3 months later, it played out in modern India. Sawal ye tha kya aaj ke zamane mein bhi waisa pyar hota hai jaisa humne suna tha, socha karte the. क्या आज के ज़माने में भी लैला मजनू रोमियो जूलियट शीरी फराद ही रांझा होते हैं क्या आज भी वही प्यार का एहसास है क्या आज भी अगर हम ढूंढने निकलें तो हमें मिर्ज़ा और साहिबा मिलेंगे ज़रूर मिलेंगे आकाश के पार अब कुछ नहीं आकाश में तू और मैं तीन गवाह है इश्क के एक रब एक तू और एक मैं खाब था खाब है खाब
Thank you very much. Ladies and gentlemen, give it up. Truly, truly, Gen Next is here and they're knocking on the doors. Chahe wo screen ke upar ho ya phir screen ke piche. Give it up once again for Harshvardhan Kapoor, guys. Come on. And the beautiful Sayami Kher, please. Aapke baare mein pata nahi. I've been to many of these launches, tam jams, but I must say one thing. This launch has been like no other before. And I hope you'll agree with me. If you do, please give this a huge hand once again. Thank you. I mean, ye tarika hota hai. Gaano ki kahani hai. Gaano se hum aap ki mulaqat. Song needs to be felt. Iska naam hai, Hota Hai. Aur is gaane ko sunkar, aap bataiye, aapke dil mein kya hota hai. I give you Hota Hai, ladies and gentlemen. Thank you. चोट कहीं लगती है जाकर जख्म कहीं पर होता है इश्क में share the stage with us. How are you, sir? And my favorite producer, the man who produced the wonderful man on the screen, Anil Kapoor! Please! Main thodi na aapko chhodungi. Come on. You have to join us on the stage. Ladies and gentlemen, please give him a big hand. Jagas! Anil Kapoor! Okay, we have to ask all three of you questions. So I'm going to ask you to kindly join me on the stage, Vinodji, please. A few words on the music of Mirzia. Thank you so much, Gulzar Saab, for wonderful lyrics. And from T-Series, I would just say one thing that today, in this hall, some 500 or 1,000 people have heard the songs. Tomorrow, the world will hear the same, and it's a super hit. Thank you. Thank you. Vinod Bhanushali, sir, of course, representing T-Series. Bharti ji, I'd like you to say a few words, please. I would just like to say thank you to everybody. And thank you to Anil sir. He's been a pillar of strength for the whole unit. And I think we should hear more from him. Thank you so much. AK. AK. Yeah, let's hear it for them. Guys, come on. Yeah, mujhe phasa diya. नहीं आज आज आप रो नहीं सकते आईफा में जब पहला आपने फर्स्ट लुक किया था इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट एट आईफा ऑल द वे इन मैड्रिड आईफा में तो बिल्कुल नहीं रोया था मैं अरे लाइंग लाइंग नहीं एब्सोल्युटली नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं वेल ऑफ कोर्स
Well, I think life has come full circle for me. my father came a few decades back to this Fumai film industry, and he saw success, he saw a lot of disappointments, but that gave me strength, me and my brother. So I want to thank my father, my mama, mother who's here, my brother, all both my brothers. And of course, I don't want to say much about myself. It's a very joyous moment for me today. It's great pride that today my son, Harshvardhan Kapoor, you know, is over here. All I can say is, beta, beta ho to aisa, magar I just want to say, meri baat nahi sunta. He just doesn't listen to me at all. And I know people are very, very apprehensive about star sons, but I can assure you, Harsh, and all of you, star children who are, they don't have to be apprehensive, especially Harsh, because whatever he's done today, he's done it on his own. He's got this film on his own. Absolutely. And he believes he's different, he's, but the, don't expect anything like me from him. Absolutely, I'm telling you. And that's what his strength is. And I just want to thank, you know, that Rakesh Om Prakash Mehra spotted him, groomed him, and the entire team, you know, have made him Mirzia today. And I can see Mirzia on screen today. I just want to say that all of you here, friends from the media, my colleagues, my family, Javed Saab, Gulzar Saab, Dilir Saab, Shankar, absolutely phenomenal talents, and all of you all have given me so much of support and love. Mera haq banta hai. The entire family has given blood, sweat to this business. Never compromised, never made no scams, never made money, you know, just made enough money, but gave everything to this show business, to this film industry. So whatever love and affection you all have given me for so many years, I want you all to give it to my son. Thank you, all of you. Thank you. Thank you. Thank you, Gulzar. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you so much, Mr. Kapoor. A very emotional moment. Please take a seat. Thank you, Bharti. Thank you so much, Vinodji. Thank you so much for joining us. Could I, at this point, please request the cast and crew of Mirzia to kindly join us on the stage for a photo opportunity. This is a photo opportunity for our friends from the press. This is where you can get your cameras ready. After which we will have the press conference. So in case you want to realign yourselves, please do that. It's been a very emotional day. As I said, apni picture hai, ghar ki picture hai. Ladies and gentlemen, I give you the cast and crew of Mirzia. Thank you.
वादियां कोहरे की इनमें सदियां बहती हैं, ये वादियां दूधिया कोहरे की इनमें सदियां बहती हैं, मरता नहीं इश्क अमृता सदियों से बह रहती हैं। मिर्ज़िया मिर्ज़िया, वेल डन मिर्ज़िया, वेल डन। जैसे मैंने कहा, ईद से दशहरे तक का सफर हम देखेंगे आपके साथ। I'd like to request a couple of people, of course, to stay back on the stage for the press conference now that's going to follow. Could I please request Rakesh Om Prakash Mehra, Sayami, Harshvardhan? I have a feeling they need a couple more pictures with you. Of course, could I call upon a couple of our friends to come back on the stage in just a little bit? Request Harshvardhan, Sayami, Rakesh sir. May I please request the wonderful cast, Sayam and Harsh, to kindly join us on the stage. Alongside the newcomers, of course, are going to be legends. Gulzar Sahab is going to be part of this press conference, as well as Shankar Ehsan and Loy. Could I please request you to also take a seat? Thank you. Can I please request the very, very handsome Harsh? Tanana, nanana, oh. Tanana, nanana, tanana, nanana, oh.
Ladies and gentlemen, thank you for being so patient. I know it's been a little hard, but I must say thank you for your patience once again. Kindly be seated. I'm going to throw the floor open for questions from our friends. Juni Mallika is sitting right there. She's a friend of mine. Thank you. G9's here somewhere. Hi, G9. Nice to see you. Friends from media, I'd like to request you once again to settle down. Chala sir, ata karuya ami press conference. Dada. 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 Ladies and gentlemen, once again, I give you the people who felt and presented the music to you of Mirzia at the music launch today. I have some very amazing people on the stage. We'd like to open the floor for questions, but I'd like to request our friends from the media to kindly settle down. And now that you have settled down, thank you, would you please ask your questions? You can raise your hands, a mic will come to you, and that's how we'll do this. We'll start, of course, with the wonderful lady in the white, in the second row with the white bindi. You look wonderful, ma'am. And I'm sure you have a good question as check, well. Check. All right, our first question. Please make sure you tell us who you're asking the question to. Rakesh ji, aapse sawal. Yahan hai Rakesh ji. Rang de basanti ke baad aapne dobara is tarah se ek ateet ki bahut khoobsurat si kahani ko vartaman ke sath joda hai. Aisa karte hue editing table pe aapko khud se ladai karni padti hai kya? ये सवाल एक्चुअली या आजकल का जो सिनेमा है और उसका जो ग्रामर है मैं आपको थोड़ा विस्तार में बता दूं अगर दो मिनट हैं तो जी क्या है कैमरा फोटोग्राफी से आया है एक्टिंग थिएटर से आया है राइटिंग तो राइटिंग से है संगीत संगीत की दुनिया से क्लासिकल फोक एंड ऑल दैट एक एडिटिंग ही ऐसा आर्ट फॉर्म है सिनेमा जो सिर्फ सिनेमा की वजह से आया ये सिर्फ 100 साल पुराना है और ये दिस इज़ द मोस्ट कहते हैं ना द बेबी आर्ट फॉर्म इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा हम सब मिलके बनाते हैं एज अ कोलैबोरेटिव आर्ट तो एडिटिंग अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है आजकल सब डिजिटल हो गया है तो हम स्टोरी को नॉन लीनियर भी बोल पा रहे हैं मतलब पहले बिगनिंग से शुरू करते थे एक दो तीन चार से दस तक जाते थे अब दो से बारह बारह से ये एट द सेम टाइम हम आपके ख्यालों में भी घुस सकते हैं कि बाजे वक्त आप ट्रेन में बैठी हैं बट आपको याद अपने बचपन की आ रही है तो वी कैन आगे पीछे वो दोनों स्टोरियाँ चला सकते हैं तो बहुत सिनेमा के जगत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है ये सिर्फ 100 साल पुराना आर्ट फॉर्म है आगे चलेंगे तो अभी वर्चुअल और ये सब ऑगमेंटेड रियलिटी और ये सब आने वाला है एडिटिंग तो फिर पीछे रह जाएगी नहीं लेकिन मेरा सवाल ये है कि दो कहानियाँ और बहुत खूबसूरत कहानियाँ उन्हें जोड़ते वक्त आपको बहुत खूबसूरत से जो दृश्य आपने या गुलजार साहब ने लिखे होंगे वो काटने पड़ते होंगे तो उस वक्त आपका अपने से ही एक वो होता होगा द्वंद होता है कि ये चीज़ क्या चीज़ रखूँ और क्या चीज़ छोड़ूँ या मतलब इतनी प्यारी स्क्रिप्ट हो फिर उसको आप सब लोग मेहनत से काम करते हैं और उसको शूटिंग करते हैं और बहुत मटेरियल होता है हमारे पास और बट एंड में जो कहते हैं कि फिल्म टेबल पे बनती है एक फिल्म का स्क्रीन प्ले कभी ख़त्म नहीं होता एक लिखा जाता है एक शूट किया जाता है फिर एक्टर्स उसको अपनी तरह से इंटरप्रेट करते हैं डायरेक्टर अपनी तरह से म्यूज़िक डायरेक्टर्स अपनी तरह से कैमरामैन फिर एडिटर के पास जब वो पहुंचती है बात तो वो अपनी तरीके से इंटरप्रेट करते हैं उन्हें और फिर वो उस कहानी को वैसे बताते हैं तो स्क्रीन प्ले बार बार लिखा जाता है और जब ऑडियंस देखती है हर एक ऑडियंस का मेम्बर उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन हाई दिस इज ऑन योर राइट राकेश जी सोहेल फ्रॉम ग्लैम शैम कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम एंड इट वाज अ ग्रेट लॉन्च मेरा सवाल है कि जैसे आपने कहा कि मिर्ज़ा और साहिबा की जो कहानी है
पहले की और आपने आज उनको रिलेट करने की कोशिश की. हर्षवर्धन को आपने ऐसे नहीं सोचा कि उनके फिजिक पे थोड़ा वर्क कर दिया जाए, मतलब यू नो विद हैविंग सम मसल्स आल्सो, दैट थॉट हैड कम इन योर माइंड? कुड यू टॉक एंड हर्ष आल्सो, हर्ष से हम पूछना चाहेंगे कि वो अपने डैड की तरह ही यू नो लाइक ही आल्सो हैज मेंटेन्ड हिमसेल्फ राइट फ्रॉम सोहेल जी. ओके, द कैरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, आई थिंक वी हैव गॉट टू यूज्ड टू दिस सिक्स पैक्स दिस इज नंबर 1. नो नो, ये भेड़चाल जो है. नंबर 2, मिर्जियाज कैरेक्टर वॉज नॉट दैट ऑफ अ बॉक्सर. नीदर, तो हर्ष हैज गिवन मी 18 मंथ्स. नाउ हियर मी आउट, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेप, 18 मंथ्स बिफोर द शूटिंग, डोंट गेट मी रॉन्ग, इन दैट ही इज वर्कड ऑन द रोल ऑफ फर्स्ट द कंटेम्प्ररी कैरेक्टर विच इज मुनीश इन द फिल्म. So for them, in their first film, they are actually doing double roles in their first debut film. And that character required a certain physicality. Correct? Then after finishing that, we took a 7-month break because they had to prepare in a different way for another film within a film for another character to be in a different zone altogether. It's not easy, and in your first film. For 6 months, they prepared again. There is something called horse riding and mounted archery. Yeah. If you study that, when you are a horse rider, you got a very lean and athletic look about you. You don't have a six-pack look about you and all that. So I'm sure when we make a movie about a boxer, we'll satisfy you. Harshvardhan, Harshvardhan, yahan mera sawal aapse hai. Jab aapne pehli baar ye script suni, aapka reaction kya tha? First of all, we actually met in 2008, I think, and we kept meeting every couple of months after that. And at the time, Rakesh sir had mentioned that he was working on the story of Mirza Sahiba, and Gulzar sahab was writing a screenplay. And I was actually still in college at that time. I was what, 18, 19 years old. I'm 25 now, so this is a conversation that's been going on for a very long time. And then I went back to college after the first interaction with Rakesh sir, and I actually did what I could, try to find whatever I could about the story on the internet. And you know, obviously it's a romantic tragedy, and it's very different from the other romantic tragedies because it's the two lovers themselves that make decisions that eventually determine their destiny. You know, so it was very complex. It was very brief and very vague on social media. So as kind of time went on, we kept reconnecting, and then eventually, I think in June 2013, after talking for like 2 or 3 years, we finally decided that it was the right time to kind of embark on this journey. And until then, I hadn't really heard anything from the script. So then finally I sat with Mehra, and then he narrated about 10 or 15 pages because the script was still a work in progress at that time. Mm-hmm. And just the beauty that which it was kind of written, because you know, it's very rare these days to find scripts that are very poetic and very romantic. And I think for me, you know, I read it when I was 22, and I was reading so many other romantic stories and scripts, but I think that this is the most contemporary romantic film ever. You know, I mean, at least from what I've read, the interpretation of it, you know, so I was completely blown away. I it's one of those things that you hear it and you're like, I'll give anything to be a part of this film. You know, I mean, it's romantic, it's complex. You get to play two characters. It's poetic, it's visual, it's musical. So it's like a fever dream, you know, so it's a dream. Kitna difficult tha aapke liye is character ko nibhana? तो एक्चुअली दो किरदार है, एक आदिल का और एक मिर्जा का. तो फर्स्ट वी वर्कड ऑन आदिल अ लॉट, एक्चुअली वी वर्कड ऑन बोथ साइमल्टेनियसली. एंड व्हेन आई हर्ड द स्टोरी, आई न्यू दैट यू नो द होल फिल्म डिपेंड्स ऑन माय एबिलिटी एज अ राइडर एंड एन आर्चर, बिकॉज मिर्जा इज द बेस्ट, यू नो. एंड आई नेवर बीन ऑन अ हॉर्स, सो इट साउंड्स वेरी ईजी, बट एक्चुअली व्हेन यू स्टार्ट doing it, you know, and then you know the script, so you know how
sir is going to shoot it. It's not like other films where, you know, you cut to your close-up and then you cut to the stunt double. It's not one of those films. I knew the level that I had to kind of reach to. And I moved away to Delhi for 6 months first, because there, you know, Bombay doesn't have too many places where you can learn that skill. So I learned the basics there for 6 months, and I had a lot of falls. Then I came back, then we continued, and it's a 20-minute answer. I can't really sum it up for you, but it was basically very difficult. Thank you, Harsh. Thank you so much. Is there a question for Sayami? Yes, ma'am, in the blue. Hi, Sayami. Hi, namaste. Namaste. You both looking very stunning. Thank you so much. My question is for you and Harshvardhan both. As we just heard, Anil ji said ki Kapoor Parivar has given a greatest contribution to the films. And so is you. Thank you. Your family is also very much connected and given a lot of contribution industry. आप दोनों कितना प्रेशर महसूस करते हैं इस वक्त फिल्म रिलीज पर? फॉर मोर न्यूज एंड गॉसिप्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बॉलीवुड हेल्पलाइन. आई थिंक व्हेन यू काइंड ऑफ बिलीव इन समथिंग सो मच एंड यू वर्क फॉर सो लॉन्ग विद सो मच ऑनेस्टी एंड यू नो यू बेसिकली लीव बिहाइंड योर लाइफ एंड यू सैक्रिफाइस सो मच इवेंचुअली व्हेन यू आर परफॉर्मिंग with that honesty in your heart and your mind, the audience can feel it in when they watch it, and I that's all you can really do. So I don't think it's very intelligent to feel creative pressure in terms of commercial expectations, because you're somebody's son and all of that stuff. I feel there's nothing I can do about that, so whatever has to happen will happen. mera sawal Gulzar sahab se hai. Gulzar sahab, okay, we'll take that question. Gulzar sahab ke liye ek sawal hai. Gulzar sahab idhar dikhiyega. On our left. Okay. Sir, dekh liya aap. Haan, Gulzar sahab, aapne dhunu par bahut behtareen gaane likhe hain. Bahut sare aise nagme likhe hain jo pehle likhe gaye, baad mein dhun banayi gayi. Isme Mirziya mein aapne kya anubhav rahe? Aapne kis tarah se aapki rachna prakriya rahi hai? Mirziya mein kahani ne khud hi geet likhwa liye mujhse. जो कहानी थी और जो किरदार थे, जो कैरेक्टर थे, जब उनको बयान कर रहे थे तो उसमें एक फोकलोर की फील थी, एक फोकलोर का अंदाज था. तो वो उस कहानी के साथ अपने आप जब उसकी ज़बान बन जाती है, गीतों की भी जो कहानी की ज़बान हो. और एक तो ये कि स्क्रिप्ट के साथ बहुत कुछ लिखा गया, और मेरा ख्याल है पहली बार ये मैंने इतना ज़्यादा बोझ उठा के इतने बड़ी उलझन में शंकर को डाल दिया था कि अब इसके ऊपर आप धुन बनाइए, मैं हमेशा आपकी धुन पर लिखता रहा हूँ, अब आप इसका देखें क्या करते हैं. और उनका ये है कि मैं जैसे उस वक्त बात करते हुए भी मैंने कहा कि ये भरे हुए हैं पूरे मेलोडी से, इनको ज़रा सा हिला दो तो मेलोडी निकलने लगती है और बाहर आने लगती है. और बस वो उसके बाद मैं ओक सामने रख लेता हूँ जमा करने के लिए. और कहीं कहीं उन्हें ये कि अल्फाज दिए, उन्होंने धुन भी बना ली, वहीं के वहीं बना ली, और उसके आगे की धुन बना ली, उससे अंतरे बना लिए. तो फिर देन यू हैव टू फॉलो इट, इट्स अ टू वे जर्नी. और वो अगर आपने थोड़ा रियाज किया हो पिछले सालों में तो फिर आप शंकर के साथ काम कर सकते हैं. क्या बात है शंकर साहब, आपसे शंकर आपसे सवाल है. ऑन योर लेफ्ट हर्षवर्धन, शंकर आपसे सवाल है. सॉरी, कुड आई प्लीज कंप्लीट द आंसर. गुलजार साहब से आप काम कर चुके हैं, पहले भी कर किया आपने, नित नए गुलजार, क्या अनुभव रहा आपका काम करने का? मैं ये कहूँगा कि वो हमेशा ही नया गुलजार हैं हमारे लिए. एवरी डे इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस, एवरी डे इज़ अ न्यू सरप्राइज, एंड कुछ ना कुछ हम लोग रोज़ सीखते हैं इनसे. तो इट्स बीन मैं क्या बताऊँ कि ऑल आई कैन से इज़ हम लोग सब बहुत अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि वी आर इन एन इरा वेयर वी आर एबल टू वर्क विद द मास्टरो लाइक गुलजार साहब. क्या बात है, थैंक यू सो मच शंकर सर. सॉरी, बिफोर द नेक्स्ट क्वेश्चन आई मस्ट से वी दीज आर बेगिंग फॉर माई अटेंशन. दलेर बाजी, यू आर लेजेंड, यू आर बैक ऑन द सीन राइट नाउ. जोरदार तालियां दलेर मेहंदी के लिए प्लीज. बट साथ साथ प्लीज एक फोटो इनके जूतों के साथ मेरी ले लीजिए, मेरे दोस्त हैं मीडिया वाले. डूड, लुक एट दैट ब्लू.
love it. Can I please ask you a question? Because I would like to. All right. Could I please pass the mic to Daler Saab? Thank you. आपकी आवाज सुनकर सच कहूं आंसू आ गए. आपको आज के इस परफॉर्मेंस के बाद अपनी ऑडियंस से जो आपके फैंस हैं अपने मीडिया के भाई आपके मैसेज लेके जाएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ राकेश मेहरा जी का कि जो ये बिलीव रखते हैं, प्यार करते हैं, आवाज़ को पसंद करते हैं. तो काफ़ी सालों से, 5-6 सालों से बहुत ही आराम से बैठा हुआ था, अपने शोज़ कर रहा था, म्यूज़िक काम करता हूँ, सालों साल बिज़ी हैं, पर फिल्मों में आप खुद ही जानते हैं कोई गाना नहीं आ रहा था, ना ही मैं गा पा रहा था, क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा था उससे मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि किस तरीके का ये दौर शुरू हो गया है, कैसे गाने शुरू हो गए हैं. तो जब मुझे बुलाया गया मिर्ज़ा के लिए और मैं मुंबई आया और मुंबई आकर स्टूडियो में शंकर एहसान लोई साहब, गुलजार साहब साहब बैठे हुए थे और पहुंचा जी हाँ जी मुझे क्या गाना है. तो मुझे शंकर जी ने कहा कि आपने स्टोरी को, ये एक हो रही है और आपने स्टोरी लाहौरों की बस्ती है, इस तरह आपने बताना है स्टोरी को. तो मैं 15-20 मिनट बहुत ही सोच में पड़ गया कि मैं किस तरह बोलूं, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो गाने गाने के लिए तो है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जैसे ओम पुरी साहब, गुलजार साहब की आवाज़ है, लगता है कि फरिश्ते बोल रहे हैं, बहुत कमाल. तो मुझे लगा कि मैं नहीं बोल पाऊँगा. और फिर मैं सोचा कि अब थोड़ी देर और बिताया तो इन्होंने कहा कि अच्छा ये आप फिर साईं जहूर जी की बहुत बहुत अच्छी आवाज़ जो शुरुआत वो करते हैं मिर्ज़ा में, बहुत बहुत सूफ़ी फ़कीर हैं, बहुत अच्छा नाम है उनका सूफ़ी में, तो उनकी आवाज़ सुनाई. फिर कहा कि इसमें आप ये दो लाइनें ऐसे ऐसे आप गा दीजिए, वादियाँ दूदियाँ कोहरे की, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी. तब मैंने रिदम वगैरह बिल्कुल नहीं सुनी थी कि कैसी रिदम में क्या है, और वो मैंने गाना गाया. फिर जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो मुझे लगा मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि मिर्ज़ा अगर हो तो वो कैसा हो, कैसी उसकी पहचान कैसी होनी चाहिए, किस तरह उसे बुलाया जा सकता है. तो मैंने फिर गुजारिश की गुलजार साहब को, राकेश जी को, शंकर जी को कि मैं एक लाइन मिर्ज़ा साहब और गाना चाहता हूँ, तो अगर आप बोलें तो बहुत बड़ी दरिया दिली है, क्योंकि इतने बड़े कलाकार हैं उनके सामने कुछ कहना बहुत छोटी बात हो जाती है. और निका जी ठीक है आप कीजिए. तब रब जानता है कि मुझे लगता है कि ये हर्षवर्धन जी, श्यामी जी, इनकी तकदीरों की वजह से ये सारे हम लोग जुड़े हैं, और इनकी तकदीरों की वजह से एक इतना बड़ा काम है. क्योंकि मिर्ज़ा साहिबा जी बहुत बहुत मिर्ज़ा साहिबा बहुत बहुत छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत हम भी बचपन से सुनते आए हैं यहाँ पे आप सब ने, लेकिन इसे बोलना, इसे कहना और इसे गाना अगर रब की मेहर हो तभी हो सकता है, कि ये बहुत बड़े और सच्चे आशिक हुए हैं हीर रांझा, सोनी माहिवाल, तो इनके ऊपर गाना. तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप गाइए. तो फिर एक ही बार में माइक के सामने मैं खड़ा हुआ और जो मेरे दिल से आवाज आई बिना सोचे समझे, ओ उस चीज को 4 चांद लगा दिए शंकर एहसान जी की टीम ने, गुलजार साहब के बोल हैं और राकेश जी के. तो मैंने तो बहुत एक ही लाइन छोटी सी गाने की कोशिश की और रब ने गवाई. फिर मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनकी वजह से आज जो म्यूज़िक इंडस्ट्री का जो एक रुख है, दौर है म्यूज़िक इंडस्ट्री का, म्यूज़िक है, वो मिर्ज़ा की वजह से बिल्कुल चेंज हो गया और बहुत साफ सुथरा और खूबसूरत प्योर इंडियन, ये जो गाना आप सुनेंगे ये प्योर इंडियन म्यूजिक है. ये वादियां दूदियां कोहरे की, ये जो गाना पूरा चल रहा है इसमें कहीं भी आपको वेस्टर्न या कहीं से यहाँ से म्यूजिक चुराया वहाँ से चुराया बिल्कुल नहीं, एक इंडिया की रूह है, प्योर इंडिया का म्यूजिक है और पहला म्यूजिक है. तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका और मीडिया का भी और जितने भी फैंस हैं जिन्होंने सर आंखों पे बैठा लिया, और हम चाहेंगे कि इसी तरह
आप इन दोनों स्टारों को हमें हम सबको ब्लेसिंग दीजिए कि और इसी तरह अच्छे अच्छे काम करते रहें. शुक्रिया. थैंक यू. माय फेवरेट मैन. ऑल राइट, थैंक यू. नेक्स्ट Arsh on your left. This is Simran Singh from Book My Show. First of all, congratulations to you and your team for the fantastic, mind-blowing film. Thank you very much. My question to you is, your dad just said that you are very different from him. So how much do you agree on that? Is it true that you are different from him, or what do you want to say about it? I don't think I'm the best person to decide that. You know, it's very difficult to have an opinion about yourself. But I think the only way you can define, I mean, at least in my situation, is define my own personality is by the characters I decide to take up. Or actually, I get lucky enough to play, and that is something that will happen over time. So, you know, I think that's a question that will be answered over time, you know, if as and when people get to see my films and stuff like that. Hi, Harsh and Sayami, over here straight. Gulzar Sahab. Over here. My question to you is, you know, stars like Aamir Khan, Amitabh Bachchan, Salman Khan have tweeted about your film, the trailer of your film. So how do you feel when stars speak about the film, and how much do you think that helps the film in building up the hype around the film, both of you? I think at the end of the day, it just comes down to how honest and good the film is, you know, to be honest. And there's so many incredible people working on this film. I mean, it's only my first film. I'm an unknown. But there are so many incredible people working on this film. And I think it's because of that, you know. So we're extremely thankful and that they've liked whatever they've seen so far from the film. And then I hope they like the film when they see it. But it's a huge blessing, and it definitely does help, you know, and very grateful for it. Gulzar Saab. प्रशांत पांडे ईटीवी हिंदी और उर्दू की जानिब से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक लोक कथा उसमें लोक संगीत और गीत सब कुछ नज़र आ रहा है एक ऑब्जर्वर के तौर पे कैसे देख रहे हैं कि एक फोक जो है वो अब ग्लोबल हो चला है और बहुत ही रीच उसकी बढ़ रही है ये जो तब्दीली आई है संगीत में या गीतों में उसे आप एक ऑब्जर्वर के तौर पर कैसे देखते हैं मैं समझा नहीं कि उसमें तब्दीली क्या आई जो आजकल फोक ग्लोबल हो चला है उसे आप कैसे देख रहे हैं लोगों तक पहुंच रहा है फोक गीत संगीत नहीं देखिए फोक की तो एक ट्रेडिशन है वो किसी का लिखा हुआ नहीं है लेकिन फोक की साउंड्स और फोक का स्टाइल और फोक जिस तरह से स्पॉन्टेनियस होता है उसमें खूबी यही है कि आप हर दफ़ा अपने दौर का अपने वक्त का नमक लगा कर उसे दोबारा पेश करते हैं और यही काम शंकर जी ने और शंकर एहसान लॉय तीनों ने किया है कि उसके साउंड्स मॉडर्न हैं उसके साउंड्स आज के हैं उनका स्टाइल भी आज का है उसके बावजूद आपके दौर का लगता है बावजूद ये कि कहाँ से एको करता हुआ वो फोक आपके पास आ रहा है फोक की खूबसूरती ये है भाटियाली आप जहाँ जहाँ गाते रहेंगे जिस दरिया में भी गाते रहेंगे साउथ में गाएंगे तब भी वही होगा बंगाल में गाएंगे तब भी हो लेकिन दोनों जगहों का कि अपनी हवा उसकी हवा का नाम होगा उसकी हवा का जो जायका है वो उसमें शामिल हो जाता है और यही खूबी है फोक की कि वो हर जगह अपने आप को लोगों के साथ अडेप्ट कर लेता है राकेश जी अगला सवाल आपसे है कि लद्दाख से एक लगाव आपका नज़र आ रहा है एक बार फिर तो क्या लद्दाख में शूटिंग करते वक्त भी कुछ कहानियाँ या कुछ बातें नज़र आईं क्या उस जगह में कोई खासियत आपको नज़र आ रही है जो कहानी कहने में और भी आने वाले वक्त में नज़र आएगा मैं खासकर लद्दाख के बारे में मैं आपसे दो चार महीने तक बात कर सकता हूँ और तब बात शुरू होगी तो मिर्जी और लद्दाख का क्या मेल है तो जब जैसे हम बात करते ही आए हैं कि लोक कथा है फोक टेल है इट्स अ लेजेंड ऑफ मिर्जा साहिबा विच रेवरबरेट्स एंड एकोज एंड लैंड्स इन टुडेज टाइम सो द लेजेंड व्हेन यू टेल द स्टोरी a movie is a story told in pictures, correct? So I wanted to recreate the folklore of Mirza Sahiba in my imagination, not in a period, not in the past, present or future. It is timeless. The word which I caught him in from his script and what I passed on from him to them was it's eternal.
Ladakh has always given me that feeling that is eternal, that nothing has touched it. And always, from day one. I was 25 years ago, I first went there for my honeymoon when I discovered it. And since then, I've gone there for 25 years, every year, sometimes twice a year. But that's beside the point. It's still, I haven't even explored 10% of that land. And that's why, because the soul of Mirzia and the soul of Saiba was somewhere I found can be in such a pure place, that is Ladakh. Hello, my question is Shankar sir. In this movie, there's a lot of folk songs and you have blended with the modern music. How could you do this and like, you know, something very different? Gulzar sir also told that you have blended with the modern music. Well, you know, just like how the script is, just like how the characters of the film are, just like there are so dimensions, you know, there's so many dimensions in the film, you know, it's dynamic. There are so many emotions in the film. Similarly, you know, our music could not have been just, you know, in one layer. If you hear the title song again and again and again, you'll be discovering new layers every time you see. Arey, you'll see this voice. Oh, that's a new voice. Yeah, this rhythm is coming in here. Suddenly you'll see Nuran sisters coming here. So we wanted to give that a sense of, you know, color. You know, if you hear the title song, for example, it's celebration of Mirza. You know, there are so many flavors, there are textures. If you hear them in isolation, you probably might feel that this voice may not go with this voice or this genre may not go with this genre. But, you know, with whatever, like, you would like to expand on that, we just brought these things together in an interesting way, which is musically and aesthetically of some value. When Rohini said to close our eyes, and I was just gone to trance when the last song was played. Thank you. Thank you. I'll just add to that. I requested Rohini for a very long time in the last two decades exactly, it's happened to us. I've grown up in a radio generation where we used to listen to the songs. Song would go through my ears, enter my heart, stay there forever. Now the generation is looking at the song. So last song I requested if we can, everybody can hear it because the sensory organ which God has created for listening is here, I think. हर्षवर्धन जी आपके ठीक सामने सबसे पहले तो आपको विश ऑल द बेस्ट आपकी फिल्म के लिए. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आप वो कौन कौन से एक्टर हैं जिनकी आप फिल्में देखते हैं, जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं, जिनके आप बहुत बड़े फैन हैं? आई मेक इट अ पॉइंट टू वॉच ऑल फिल्म्स. I think there's so many amazing actors, and I like certain films from, you know, of certain actors. Amir is a very big influence. I think when, you know, at least my generation was growing up in 2001, Dil Chahta Hai came, then Lagan came, then Rang De Basanti came, and those were defining films for us when we were growing up. You know, and also at that time, you know, actors were doing so many films at one time, you know, and he decided to work more in isolation and really focus on one thing at a time. And I've been lucky enough, because of the way Mehra sir works, to have that experience on Mirzia. And I want to keep having the opportunity to do that with every film if it requires it. But answer your question, I think Amir for his choices and determination. I think Ranbir for his ability to be spontaneous and his brilliance, those are the two that come to my mind. Harshvardhan ji, आपको नहीं लगता कि आपका competition खुद आपके daddy से होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से वो day by day performance करते जा रहे हैं, वो बूढ़े नहीं हो रहे, हम सभी देख रहे हैं. तालियां, come on. अभी stage पे देखा हम और आप और आपके daddy भाई लग रहे थे. तो आपको नहीं लगता? All my girlfriends also say the same thing. But no, I think jawab, you know, hopefully jawab ye film dekhoge to pehle 10 minute mein aap ye sab bhul jaoge.
Well, well answered, Harsh. Well answered. Is there another question? Yeah. Gulzar Saab, here. Justin. So, towards your left. Justin, yeah. Time you are. There yeah, you are. So here. Okay. Sir, Mirzia marks your return as a screenplay writer after, I think, almost 17 years. Sir, what took you so much time to write for films? Kya pucha? Sir, Mirzia... फिर से पूछिए जरा आप क्या कितना वक्त लिया या क्या सर, पूछा सर आप जरा से खड़े हो जाइए ताकि मैं आपकी सूरत भी तो देखूं ना ऐसे जरा हाँ बड़े खड़े होके बोलिए जैसे जैसे मास्टर लोग बोलते हैं वैसे बोलिए या सर विद मिर्ज़िया यू कमिंग एज अ स्क्रीनप्ले राइटर आफ्टर आई थिंक ऑलमोस्ट 17 इयर्स सो सर व्हाट टुक यू सो मच टाइम टू राइट फॉर फिल्म्स आई मीन इन दैट वे मैं मुझे कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिली किसी ने नौकरी दी नहीं उसे टिल आई मेट राकेश और शुक्र है कि इन्होंने रख लिया मुझे और नाउ आई डोंट वांट टू लीव हिज टीम मैंने तो इनसे कहा कि मुझे अडॉप्ट कर लीजिए अब आप वी विल टेक द लास्ट क्वेश्चन या इट्स मी गुलजार साहब जो मैं 35 साल से आपके साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ और आप प्लीज इन पूरे ऑडियंस को और मीडिया को बताइए कि मैं कितने साल से कह रहा हूँ कि मुझे एक फिल्म में ले लीजिए कितने साल से बोल रहा हूँ आपको मैं ऑलमोस्ट 34 साल पहले मैं आपके घर आया था वो 7 दिन बन रही थी मैं गुलजार साहब के पास गया था और मैंने कहा कि मेरे साथ एक फिल्म बनाई आज तक नहीं बनाई उन्होंने इसका जवाब चाहिए मुझे आज जरूर दूंगा अच्छा चलो थैंक यू वेरी मच एटलीस्ट आपने मेरे बेटे के लिए बना दी थैंक यू अच्छा देखिए कई बार कुछ जवाबदेही सवाल कुछ पाप कुछ प्रायश्चित कई जनरेशन तक चलते हैं है ना और गवाह आपके सामने बैठे हैं हर्ष से पूछे शाम को मैंने यही बात इनसे कही थी कि वो मुझे मेरी पिटाई करने वाले हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं मेरे साथ काम किया जब मेरे बेटे के साथ कर रहे हो मैंने शाम को आपसे जिक्र किया तो मैं कहा अनिल आएंगे तो पिटाई करेंगे अरे उन्होंने कर दी देख ली अब सबके सामने लेकिन सिर्फ यही है कि मैं आप हर्ष को भी यही बता रहा था मैं कि समहाउ आई केप्ट मिसिंग हिम कहीं ना कहीं अब आई मिस हिम इवन नाउ व्हेन आई डोंट सी हिम दैट मिसिंग इज सेपरेट लेकिन कास्टिंग में आई केप्ट ऑन मिसिंग हिम बिकॉज आई वाज नेवर अ प्रोड्यूसर एंड नौकरी करता था एज ए डायरेक्टर ऑल्सो तो दूसरों के लिए बनाता था तो समवेयर आई केप्ट बल्कि वो ब्रिम तक पहुंच के भी वो मिस कर गया मैं आई विश यू हैड एम्प्लॉयड मी वंस राकेश जी नहीं नहीं आई जस्ट वांट टू ऐड टू दिस वेरी वेरी सीरियस टॉपिक और मेरे से कई पूछा जाता है ये भी कि आपने सोनम के साथ 2 फिल्में की अब हर्ष के साथ कर ली आप अनिल कपूर के साथ कब करेंगे तो जैसे ही वो 18 साल के हो जाएं एक फिल्म बना लेंगे आई डोंट वर्क विद माइनर्स ही हैज टू बी एन एडल्ट फर्स्ट देन आई विल मेक अ मूवी राकेश जी आपने जैसे कहा कि मिर्ज़िया की जो मिर्ज़िया सोहेल अगेन साहिबा जो तीर तोड़ देती है उसका जवाब आपने कैसे दिया आई डोंट नो इन द फिल्म और दूसरी बात है कि वो जवाब मिलने के बाद किसे कास्ट करना हाउ वाज दैट जर्नी एक्चुअली नो मतलब to take up fantastic hearts. absolutely amazing but then you mind had it in the mind you had it in mind that you wanted a newcomer or harsh aapke dhyan mein tha pehle hai wo journey ke bare mein kuch bataoge sir you know hum log sochte hain kai baar sochte hain aur ye meri 5vi film hai zyada nahi banayi maine 15 saal mein kai baar sochte hain this word called I did this I wrote this I directed it I casted him I thought of that. This is my tune, all that. Not really. I feel that this is somewhere there is destiny and somewhere the right thing has to happen if you trust something which is larger than you. So I always trust that. And that might sound like philosophy to you, but on a practical, on a logistical way, I trust my instincts a lot. And the small voice inside you is actually the loudest. Normally we let it drown in this whole
confusion around us, a lot of noise. My instincts took me to his door. He lives just 30 meters away from him. But it took me 35 years. My instincts took me to both of them. And destiny brought us together. It was instincts. Nothing else. I can give you 101 reasons. I won't be able to sleep tonight by giving those reasons, because I'll feel I haven't told you enough. There is something more. We just didn't make a film together. We spent the last 3 years together. Our life is today less by 3 years since we first met. So there's a lot more than that. I wish I'm able to explain it to you. Better someday, one of these days in my office, over coffee, over a drink, whatever. My question to Gulzar Saab and Rakesh is, how has tragedy influenced the greatest of love stories and turned them into epics, whether it's Romeo and Juliet, Heer Ranjha, and now it's Mirziya and many more? But do you think tragedy has influenced to make love stories kind of, great. Great, yeah. Great. मुझसे पूछ रहे हैं आप या राकेश जी से? या या बोथ ऑफ यू आई मीन नहीं दोनों कैसे जो आप देंगे? ओके देन यू प्लीज एज अ स्क्रीन प्ले राइटर या यू वन एट अ टाइम. अजय क्या सवाल क्वेश्चन प्लीज. हैज ट्रेजेडीज इन्फ्लुएंस्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ लव स्टोरीज whether it is Romeo and so Juliet. When it's a happy ending, it's not so much fun for our friend. सिर्फ यही है कि ये सवाल कई तरह से पूछा जाता है, जो मुझसे भी पूछे गए कि ट्रेजेडीज क्यों हैं, सारी ट्रेजिक क्यों हैं वो जो लव स्टोरीज हैं, और या वही क्यों बनाई जाती हैं जो ट्रेजेडी. उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो उदासी बहुत देर तक सुलगती है, खुशी उतनी देर तक सुलगती नहीं है. खुशी फुलझड़ी की तरह जलती है, खुशी फुलझड़ी की तरह जलती है और ख़त्म भी हो जाती है, उसकी रौनक भी उतनी ही देर रहती है. लेकिन अगरबत्ती अगर जलाएं तो उसकी खुशबू देखिए कब तक रहती है, और सुलगती रहेगी, वो सुलगती रहेगी. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ हैप्पी एंडिंग एंड अ सैड एंडिंग. क्या बात है. ये कहानी का जवाब का एक रुख था, मेरा ख्याल है दूसरे रुख के पूछ लीजिए, जवाब देने की जरूरत तो नहीं मैं समझता. और वरना ये कि जहाँ हैप्पी एंडिंग में ये भी हुआ कि और उसके बाद आप कहानी में लिखेंगे कि अच्छा फिर उनके 3 बच्चे हुए, फिर क्या करेंगे आप, है ना. लैला मजनू की कहानी ले लीजिए क्या, और फिर 3 बच्चे हुए और उसमें से एक तो ऊँटों का व्यापार करने लगे, एक भाग गया घर से, तो यू लॉस्ट द एंटायर थिंग, है ना. वो लैला मजनू की कहानी कहिए ना आगे, उसका एंड बदल के देखिए, तो यही होगा. और ये तीसरा भी दुकान पर बैठता है. तो वर्क आउट अ स्टोरी एंड यू विल नो इट फॉर योरसेल्फ. वो बस अब आप समझ गए कि जो क्वेश्चन गुलदार जी से करना था. मैम आई एम सो सॉरी, वी एक्चुअली रन आउट ऑफ टाइम, और बहुत भूख लग रही है हम सबको. जी बस एक सवाल गुलदार जी से करना था. गुलदार जी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम सभी लिखने पढ़ने से जुड़े हुए लोग हैं, और हम प्राउडली बोल सकते हैं कि हम उस देश में लिखते हैं जहाँ गुलदार साहब की लिखनी है. मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो आप हम लोगों को गाइड कर सके, कि आपने आपकी जो रचनाएं हैं वो बहुत बहुत ही सादगी में बड़ी बातें बोल जाती हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भाषा से ज़्यादा भाव की ज़रूरत होती है लिखने के लिए? देखिए, इसमें एक सवाल के अंदर एक सवाल ये है कि बड़ी बात है और सादा ज़बान, दो सवाल में दो हिस्से हैं कि बड़ी सादा ज़बान और बड़ी बात. सादा ज़बान सिर्फ मैं ये डिफेंड कर सकता हूँ खुद को और कह सकता हूँ कि जो बोलचाल की ज़बान है, जिस ज़बान में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोशिश होती है कि मैं उसी ज़बान में कहूँ जो आप तक पहुँच जाए. और मुझे कोई उसका कोई थ्योरम नहीं बनानी है, कोई स्कॉलरली उसके कि कोई PhD करना है तो मैं बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करूँ. कोशिश यह है कि जिस ज़बान में फिल्म लिखी जाती, जिस ज़बान में किरदार बोलते हैं, कैरेक्टर्स बोलते हैं, उसी ज़बान में बात की जाए, जैसे इस फिल्म के भी है. और ये कि जो ज़बान कम्युनिकेट करती है वो सादा से सादा ज़बान में, वो
वो ज़बान है जो हम आपस में बोल चाल में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ज़बान वही रहती है ना। बड़ी बात जो है वो बड़ी बात आपका अंदाज़ा है, मैं बड़ी सोच के नहीं लिखता उसे कि ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, जो बात एक्सपीरियंस है या जो जिस एक्सपीरियंस से गुजरता हूँ उसे बड़ी ईमानदारी के साथ वही कहने की कोशिश करता हूँ जो महसूस करता हूँ। अब वो बड़ी है या देर तक रहने वाली है ये तो वक्त बताता है, तो वक्त के साथ ही, वक्त इज़ द बेस्ट टेस्ट। तो बस उतनी सी बात है, वो बड़ी है तो शायद आपको बहुत बड़ी लगी हो, अब किसी को बिल्कुल अच्छी ना लगी हो, ये भी होता। क्या बात है, क्या बात है, और वक्त के साथ ही हमें चलना चाहिए। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, आई नो यू नीड मोर पिक्चर्स एंड विल ट्राई एंड डू दैट, बट थैंक यू सो मच। और जाने से पहले बिफोर आई आस्क माई वंडरफुल कास्ट, For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.